मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इंडिया वॉइस के संवाददाता ने की खास बातचीत। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ अहम कहा, सुनिए। हमारे साथ है उप मुख्यमंत्री केशव जी। केशव जी, सब मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हुआ, सारी बात हो गई। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम के दृष्टि से आज पूरे देश में लोकसभा वार हमारे कार्यकर्ता बैठे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी से अलग अलग स्थानों पे कार्यकर्ताओं ने प्रश्न भी किए और उनके उत्तर भी मिले। और यह पूरे विश्वास से हम भी कह सकते हैं, हमारा कार्यकर्ता भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है और 2019 में 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करके प्रदेश में भी देश में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनाई। कैसे छोटा सा राजनीतिक सवाल तो नहीं करना चाहिए कि अभी अखिलेश ने ट्वीट किया जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ कि पूरा देश एक तरफ शहीदों के लिए राष्ट्र के हित के लिए खड़ा है, दूसरी तरफ बीजेपी राजनीतिक ग्राफ बढ़ाने के लिए मेरा बूथ मेरा जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं श्री अखिलेश यादव जी को इतना कहना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भी पूरी तरह से मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यक्रम है जिसके आधार पर बूथ को मजबूती का काम है, वह बूथ मजबूती का भी कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, जिनका साफ कहना है कि मोदी जी के जैसा परिश्रम करना होगा, वो देश मजबूत करने आए हैं, इसलिए इससे सबक लेना होगा। कैमरा पर्सन पैसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।